नमस्कार दोस्तों, ये है लेसन नंबर 3 जो आप एडवांस फ्लूट सीरीज देख रहे थे उसमें। और अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं जो बांसुरी है, तो उसके लिए मैंने 9 लेसन्स बनाए हुए हैं बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो वो आप देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो ये लेसन नंबर 3 में मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको ट्राई करना है। और इससे पहले जो 2 लेसन है एडवांस फ्लूट सीरीज के, वो ज़रूर देखिए, उसके बाद इस पर आइए। मेरी स्किल जो फ्लूट की स्किल है वो डी शार्प है। आपकी जो भी स्किल की फ्लूट हो आप उस पर बजाइए। तो एक बार मैं आपको सुना देता हूँ इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, फिर आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। तो ये आपको बजाना है, पहले खुद से कोशिश कीजिए, नहीं आता है तो फिर ये वीडियो देखिए एंड तक, और आपको लास्ट तक वीडियो देखना है ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। तो इसमें क्या करना है, हमको स्टार्टिंग वहीं से करनी है, सारे होल्स क्लोज करके जो साउंड निकालना है सबसे पहले वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। वो आपका परफेक्ट है, उसके बाद आप इसको निकालने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले आपने सारे होल्स क्लोज किए, फिर आपको 3 होल्स खोलना है, मतलब कि ये हमारा पा हुआ लो ऑक्टेव का, ये हमारा सा, पा के बाद स आना है, और फिर जो नी है उसको हल्का टच करके फिर सा पर आना है। और इसमें झटका कहाँ पर लेना है वो आपको समझना है। अब इसको स्लो मोशन में देख लेते हैं एक बार। पा सा नी सा। तो प के बाद हल्का आपको गैप लेना है, मतलब कि थोड़ा टाइम देना है, उसके बाद सा नी सा है उसको एक बार में लेना है। तो मैं आपको एक ऐप के बारे में बता रहा हूँ जो जिसका नाम रियाज ऐप है, और आप इस पर कई सारे तरह के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे बॉलीवुड म्यूज़िक हुआ, कर्नाटक म्यूज़िक हुआ, और अपना क्लासिकल म्यूज़िक हुआ। और साथ में आपको ये लोग इसमें गाइड भी करते रहेंगे। इसमें वीडियोस हैं काफ़ी लोगों की जो आपको कंटिन्यूस गाइड करते रहते हैं। लिंक मैं इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस रखिए ताकि आपको एक मॉनिटर करने के लिए कोई आपको मिल सके। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर एक बार ये हो जाता है, उसके बाद आप एक एक शिफ्ट करते जाइए आगे की तरफ। यानी कि अगर हमने पा से बजाया पहले, पा सा नी सा आ, फिर आपको पा के बाद क्या आता है, ध, ध से उठाना है। फिर ध जो हमने प और सा के साथ किया था वो हम करेंगे ध और रे के साथ। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ रटने की नहीं है, सिर्फ आपको एक एक शिफ्ट करते जाना है। प से उठाया हमने, सा प और सा को यूज़ किया था पहले, फिर ध और रे, फिर नी और ग। एक बार सुन लेते हैं, ये हमारा प से हुआ, अब ध से, ये ध, फिर नी से, फिर सा से। यहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इसमें म शुद्ध प्रयोग हो रहा है, और म शुद्ध में हाफ नोट आता है। हाफ नोट का मतलब हम 20 से 25% होल को खोलते हैं, तो जनरली हम बोलते हैं हाफ हाफ नोट, लेकिन खोलते हैं 20 से 25%। ऐसे देखिए यहां तक, फिर से एक बार सुनिए, फिर आप जब रे से उठाएंगे तब आप सिंपल जो सारे होल्स ओपन करके फिर प पर आप दबाइएगा। फिर जब आप नेक्स्ट ऑक्टेव में जाएंगे, फिर जो हमने पहले लो ऑक्टेव में किया था प और सा से, वही आपको प और सा से हाई ऑक्टेव में हो जाएगा। तो एक बार पूरा फिर से सुनिए और आप इसको ट्राई कीजिए। आप पहले धीरे धीरे करके ट्राई कीजिए, फिर उसको एक बार में जितना मैक्सिमम हो सके उतना लेने की कोशिश कीजिए, फिर उसको एक सांस में करने की कोशिश कीजिए। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो ऐप है रियाज ऐप, आप उसको भी डाउनलोड कीजिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।